सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों और साधकों, गंगा तट पर, गंगा तीरे, हिमालय में, यह गंगा नीचे में नहीं है, यह गंगा हिमालय में है। सचमुच हिमालय गंगा तट पर बैठ करके मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब खोजी हो, आप सब खोज रहे हो। यह उन साधु महात्माओं और ऋषि मुनियों के लिए है, यह उन साधकों के लिए है जो परमात्मा के खोज में निकले हैं। जीवन का एक अपना अर्थ है, जीवन को समझना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, संसार के किसी भी कामों में आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने मन की ओर लौटना पड़ेगा, आपको अपने मन की व्यवस्था की ओर लौटना पड़ेगा। अगर मन संयमित नहीं है, अगर मन नियमित नहीं है, तो आप साधना में भी असफल रहेंगे, व्यापार में भी असफल रहेंगे और शरीर को स्वस्थ करने में। क्या मन एक ऐसी व्यवस्था है, मन एक ऐसा सुयोजित हमारे आपके अंदर व्यवस्थित चीज है, मन ने सब कुछ संभाल रखा है। मन ही आपको कंट्रोल करता है, मन ही आपको आगे बढ़ाता है। मन स्वर्ग है, मन नरक भी है, मन परमात्मा से भेंट भी है, मन ध्यान है, मन आपको विघ्न करने वाला भी है। मन संचार प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, मन आपके हित के लिए काम करता है, मन आपके अनहित के लिए, जहाँ तक हो सकता है मन सब कुछ है। मन है तो मनुष्य है, मन नहीं है तो मनुष्य नहीं है। इसलिए मन को अगर ध्यान करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने को देखिए, क्या आपका मन आपके साथ में है? उस दुर्गा सप्तशती के पाठ करते वक्त, उस महामंत्र का जाप करते वक्त क्या मन आपके साथ में है? मन अगर आपके साथ में कुछ क्षण के लिए भी सहमत होकर है, तो मन आपको सब कुछ दे सकता है। मन, मेरा मन और आपका मन अंतर है। मेरा मन मेरे कहने पर चलता है, मेरा मन मेरे अनुकूल चलता है, मेरा मन संयमित होता है, मेरा मन नियम से काम करता है, मैं मन से ऊपर होकर रहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे मार्ग के खोजी हैं, अगर आप ध्यान मार्ग पर जा रहे हैं, तो आपको अपने मन को अपना बनाना पड़ेगा, मन के साथ होना पड़ेगा, मन का आपको सहयोग देना पड़ेगा, मन आपको सहयोग देगा। चाहे जितना भी योग आसन कर लीजिए, जितना भी प्रणाम कर लीजिए, अगर मन आपके साथ में नहीं है, अगर आपने यम नियम मन को नहीं बना रखा है, यम नियम के माध्यम से मन को नहीं साध कर रखा है, तो आपको तपस्या, आपकी साधना, आपकी योग, चाहे स्वस्थ होने के लिए योग कर रहे हो, चाहे प्रसन्न होने के लिए योग कर रहे हो, चाहे प्राण को अपने अनुकूल बनाने के लिए तुम प्राणायाम कर रहे हो, चाहे जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के लिए प्रणाम कर रहे, योग कर रहे, यह सब टाइम बिंग आपको लाभ देगा फॉर अ स्मॉल टाइम। लेकिन याद रखिए, जब तक से हम नियम का पालन नहीं करेंगे, जब से मन को अपने साथ नहीं बनाएंगे, तब तक से आपकी सफलता नहीं है। आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आपको यह अंतर्भाव को जानना पड़ेगा कि आप शरीर हैं, मन हैं, बुद्धि हैं, विचार हैं, इच्छा है, आप क्या हैं, कौन सी चीज़ आपके अंदर में सक्रियता बनाई हुई है, कौन सी चीज़ आपके अंदर में प्रभावशाली है। सब तरफ से घूम करके आओगे, जिस दिशाओं से भी घूम करके आओगे, आपको मन का साथ होना जरूरी है। मन को पुल बनाना, मन को ब्रिज बनाना जरूरी है। मन के माध्यम से ही आत्मा शरीर की ओर यात्रा करता है, मन के माध्यम से ही शरीर, सारी शारीरिक क्रियाएँ, सारी इंद्रियाएं, और मन के माध्यम से ही आपका प्राण भी आपके शरीर के हित के लिए, शरीर को चलाए मन बनाने के लिए काम करता है। इसे मैंने मन को चुना है और आपको भी सलाह दूंगा, आप मन को अपने अनुकूल बनाओ। जाप कर रहे हो, मन आपका साथ होना चाहिए।
पूजा कर रहे मन आपके साथ होना चाहिए, प्रार्थना कर रहे मन आपके साथ होना चाहिए, आरती कर रहे मन आपके साथ में होना चाहिए, योग कर रहे हो मन का अवेयरनेस होना चाहिए, ध्यान कर रहे हो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि ध्यान मन से परे जाने की बात है, जहाँ तक मन का विज्ञान है, जहाँ तक मन का कार्य है, वो जहाँ तक मन है वहाँ तक शरीर है, वहाँ तक संसार है। मन शरीर के लिए काम करता है, मन संसार के लिए काम करता है, मन प्राण के लिए काम करता है। और जब ध्यान की गहराई में उतरना चाहेंगे, ध्यान यात्रा में जाना चाहेंगे, तो आपको मन को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने सीमित मन से ऊपर उठना पड़ेगा। सहज भाषा में हम लोग कहते हैं नो माइंड इज ए मेडिटेशन, नो माइंड इज ए सेल्फ अवेयरनेस, नो माइंड इज ए गॉड रियलाइजेशन। ईश्वरत्व की प्राप्ति, स्वयं का साक्षात्कार, प्रभु का दर्शन मन के द्वारा नहीं हो सकता। लेकिन मन एक ऐसी व्यवस्था है कि जब तक से मन आपको उस पार नहीं जाने देगा, जब तक से मन आपके साथ नहीं देगा, जब तक से मन स्थिर न हो जाए, मन अपनी चलायमान प्रक्रिया को रोक न दे, तब तक से आपको ध्यान नहीं लग सकता। कुछ भी करो, एक जगह आपको ध्यान लग सकता है अगर गुरु की कृपा हो जाए। गुरु एक ऐसी महान हस्ती है जो आपको अपने प्रभाव से, अपने आशीर्वाद से, अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से आपको समाधि की ओर ले जा सकता है, परमात्मा का दर्शन करा सकता है, आपके अंदर में ही ईश्वरत्व का प्रादुर्भाव दिखा सकता है। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर ही है, या आपको गुरु करा सकता है। गुरु में क्षमता है, उस गुरु में सबका क्षमता है जो सीढ़ियों में नहीं फंसा है, जो आडंबर में नहीं फंसा है, जो संसार के चक्र व्यवस्था में, संसार के पारमार्थिक व्यवस्था में, संसार से लेन देन सेवा करने में फंसा, वह गुरु नहीं। वह इन हिमालय के रहने वाले गुरुओं में ताकत है, वो समाधिस्थ गुरुओं में ताकत है। और ईश्वरमय हो गए, ईश्वर में मग्न हो गए, परमात्मय हो गए, आत्ममय हो गए, उसमें ताकत है। उन्होंने प्रभु के साथ एकाकार कर लिया हो, उन्होंने प्रभु के साथ एकत्व कर लिया, वो गुरु बन सकते हैं। गुरु सभी हैं, सभी बन सकते हैं, सभी पंडित पुजारी पाठ करने वाले लोग गुरु बन सकते हैं। लेकिन आपके गृहस्थी के गुरु हैं, आपके विघ्नों को मिटाने वाले गुरु हैं, आपको योग, आपको योग सिखाने वाले गुरु हैं, आपसे पूजा पाठ कराने वाले, आपके विघ्नों को मिटाने वाले गुरु हैं, वो गुरु नहीं हो सकते। वो आपको सांसारिक व्यवस्थाओं की ओर पवित्रता से आपके पूजा पाठ कर पवित्र कराने वाले गुरु हैं। वह गुरु तो आपको चाहिए ही जो हिमालय का गुरु हो, जो समाधि का गुरु हो, जो ईश्वर दर्शन कर चुका, जो उपलब्ध हो चुका, जो प्राप्त कर चुका है। वह गुरु नहीं चाहिए जो ऊर्जाओं को शक्तिपात से जगाता है, ऊर्जाएं जगाता है, जो कुंडलिनी जगाने की विधि बताता है, वह सब गुरु नहीं। सारी जिंदगी खप जाओगे कुंडलिनी जगाने में, सारी जिंदगी खप जाओ, कुंडली नहीं जगेगी। अश्विनी मुद्रा करते करते, शक्ति चालनी मुद्रा करते करते, भैंसी का प्रणाम करते करते थक जाओगे, आपको कुंडलिनी नहीं जगेगी। 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस तक बहुत से साधु महात्मा लोग हठ योगी बने, हठ योग सिखा रहे हैं, हठ क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन उनको स्पर्श नहीं है शक्ति का। शक्ति के फरके मन के वृत्तियों के साथ शक्ति के समावेश में आकर के वो लोग उपलब्ध हुए हैं, बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, शरीर को निरोग कर रहे हैं, यह सब सिद्धियां हैं। अगर शरीर को स्वस्थ करने की व्यवस्था में, अगर शरीर को निरोग करने की व्यवस्था में अगर आपने समय लगा दिया, अगर आपने योग में फंस दिया, आसन में फंस गए, तो आपका वह मार्ग छूट जाता है जो आपका अपना मार्ग है, वह लक्ष्य छूट जाता है जो आपका अपना लक्ष्य है, जिसमें सुख है, शांति है, आनंद है, और परम आनंद की ओर यात्रा है। उसके लिए तो मन को आपके साथ होना जरूरी है, मन विहीन होना जरूरी है। मन आपके साथ होकर के मन विहीन हो जाए तो ध्यान के सागर में आप उतर सकते हैं, ध्यान की यात्रा में आप निकल सकते हैं। और अगर आप मन को ले मनवाल बना करके, रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करके, एक शिक्षक बन करके, एक टीचर बन करके, एक योगी बन करके, आसन प्रणायाम के माध्यम से कुछ सिखाना चाहते हैं, वह आपको संसार की ओर यात्रा है, शरीर की ओर यात्रा है। वह यात्रा आपकी अपनी यात्रा नहीं हो सकती है। मैं आपका साथी हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ,
मैं आपका प्रेमी हूं, आत्मीय प्रेमी। मैं शारीरिक प्रेमी नहीं हूं, मैं आत्मीय प्रेमी हूं। मेरा संबंध आत्मा से है, मैं आत्मा को जानता हूं, मैं आत्मीय प्रकाश में रहता हूं। मेरा मन मेरा साथ देता है, मेरा मन वैज्ञानिक है, मेरा मन योगी है। मैं वैज्ञानिक मन के साथ संसार में रहता हूं, लेकिन जब संसार में रहता हूं तो संसार के प्रति दृष्टा बनकर रहता हूं। मेरे पास भी आश्रम है, मठ मंदिर है, मेरे पास भी अनेकों शिष्य भक्तगण हैं। मैं उनको दृष्टा बन करके काम करता हूँ, उनको दृश्य समझता हूँ, उनको जगत समझता हूँ। हर अपने भक्तों में, अपने शिष्यों में अपने परमात्मा को देखता हूँ, अपने ब्रह्म को देखता हूँ, अपनी आत्मा को देखता हूँ कि मेरी ही आत्मा उनमें है, मेरा परमात्मा ही उनके अंदर में। वह ब्रह्म जो सब में व्याप्त सर्वज्ञ सर्वत्र है, जिसके बिना यह संसार नहीं है, उस ब्रह्म को मैं सब किसी में देखता हूँ, क्योंकि मेरा वह कर्म पथ है, योग के मार्ग से मैं चला हूँ। मेरी अपार श्रद्धा है देवी देवताओं में, क्योंकि मैंने देवी देवताओं को जब चाहा है तब दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है। माँ की जिस नवरात्रि में है, इस माँ की अपार कृपा है हमारे ऊपर। माँ ने ही मुझे सारे विघ्नों से हटा करके, माँ ने ही मुझे अपना बना करके, माँ ने ही अपने गले से लगा करके, हक करके मुझे आगे बढ़ते रहने का प्रोत्साहन दिया है। वह माँ आपके अंदर में भी है। साधना के पथ पर, योग के पथ पर, भक्ति के पथ पर अगर आप चल पड़े हैं तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि आप हैं, आपका होना जरूरी है, आपका होना जरूरी है। आपके होने से आपको मन को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान में जाने के लिए, ध्यान की प्रकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए, ध्यान में लीन हो जाने के लिए, ध्यान यात्रा के पथ पर चलकर ध्यान मग्न हो जाने के लिए आपको मन को जरूर अनुकूल बनाना पड़ेगा कि मन ही संसार की सारी व्यवस्था है, मन ही सारा संसार है, मन ही सारा विज्ञान है। मन एक ऐसा मैकेनिज्म है कि कर्म का माध्यम बना करके मन ने संस्कार, प्रारब्ध और भोगों का निर्माण किया है। आप जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें प्राण की सक्रियता है और मन का योगदान है। प्राण ऊर्जा है, प्राण ही आत्मा है, प्राण ही ऊर्जाओं के रूप में विभिन्न काम को करता है। प्राण ही आप में सक्रियता है, प्राण ही आपके अंदर में जान है। लेकिन उस जान को, उस प्राण को सहमित करके चलायमान करने के लिए, इंद्रियों का समावेश में ले जाने के लिए, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, चाहे सूक्ष्म इंद्रियां, चाहे ज्ञान इंद्रियां, इन सभी के साथ समावेश बना करके आपके व्यक्तित्व का बोध, आपके अस्तित्व की खोज में मन ही काम करता है। मन से दुश्मनी मत कीजिए, मन से द्वंद्व मत कीजिए, मन का विरोध मत कीजिए। चाहे शास्त्र लिखता है कि मन ही विघ्न करता है, मन नहीं, मन की वृत्तियां, दी एक्टिविटीज ऑफ माइंड, जो मन की वृत्तियां हैं, जो आपने पैदा किया, आपके इच्छाओं ने पैदा किया, वो आपको डिस्टर्ब करता है। मन तो हमेशा आपको आपके लिए मिला है, मेरा मन है। लेकिन मेरा मन जो है, याद रखिए, मेरे मन का एक अपना आकाश है, एक अंतरिक्ष है, देख रहे हैं, खुला हुआ आकाश है। इस आकाश के अंदर में सारा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। इस आकाश के तल में अनेकों गैलेक्सियां हैं, अनेकों प्लैनेट हैं, अनेकों ग्रह नक्षत्र हैं। इन सब गैलेक्सी, प्लैनेट, ग्रह नक्षत्रों के अंदर में विभिन्न प्रकार के जीवाणु, आप जानते हैं शास्त्रों ने लिखा 84 लाख जोनी प्राप्त जीव रहते हैं। और सभी जोनी, सभी जीव एक्सप्लोर कर रहे हैं, सभी जोनी में ट्रांसपरिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सभी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, कोई नीचे की ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि किसी को नीचे जाने, क्योंकि वो भोग का जीवन है। भोग के जीवन में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, उनमें ट्रांसेंडेंट नहीं है। वो कभी ट्रांसेंडेंट नहीं कर सकते जब तक से मनुष्य उन जीवों के संपर्क में नहीं आता, जब तक से वे जीव मनुष्य से संसर्ग नहीं करते, मनुष्य के स्पर्श में नहीं आते, मनुष्य के साथ बोलचाल में व्यवहार नहीं करते, मनुष्य का अनुकरण नहीं करते, तब तक उनमें विराट का परिवर्तन, ट्रांसेंडेंट नहीं हो सकता। जानवर में ट्रांसेंडेंट छलांग लगा सकता है वह जानवर,
जब मनुष्य के कांटेक्ट में आ जाएगा। वे जानवर आप जानते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, हाथी है, घोड़े हैं, बकरे हैं, गाय हैं, बैल हैं, जो मनुष्य के साथ मनुष्य के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें मनुष्य के विचारों का प्रभाव पड़ रहा है, जिनके मनुष्य के कांटेक्ट बन गया है, वो जीव अपने ऊंचाइयों को छू सकते हैं, वो मानव जीव मानव बनकर यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उनके इंद्रियों में मन का प्रभाव पड़ेगा, उनके अंदर मन बनेगा, और जय जय ही मन बनता है वो जीव आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसीडेंट हो जाता है। हम सब कर्म के धनी हैं। आप कुछ भी करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, आराधना करते हो, भक्ति करते हो, प्रेम करते हो, सबके अंदर में मन है, सबका सूत्रधार मन है। मन ही बुद्धि को देता है, मन ही अति सूक्ष्म होकर के आपको प्रज्ञा में बदल जाता है, मन ही अति सूक्ष्म होकर के प्रज्ञा से तुम्हें बदल जाता है, मन ही अति सूक्ष्म होकर के अपने ओरिजिन भूमा चिदामय बन जाता है। मनोमय आकाश से चिदामय आकाश में जाता है तो आनंद आने लगता है। मन तक तो आनंद नहीं है, मन तक तो आनंद भटकाव है, परिवर्तन है, डिफरेंस है। जहाँ तक से मन है, मन विभिन्नताओं के आनंद में खोया हुआ है, कभी शरीर के आनंद में, कभी इंद्रियों के आनंद में, कभी संसार के साथ प्रेम के आनंद में, कभी संसार के साथ दोस्ती के आनंद में, कभी संसार के साथ संबंध बनाने के आनंद में। जहाँ कहीं भी मन जिस भाव से किसी से जो जोग बनाता है वो भोग बन जाता है, जहाँ भी जोग बनता है उसमें लेन और देन होता है। आपकी प्रधानता घट जाती है, उसमें लेन देन की प्रधानता बन जाती है। वही संस्कार बन करके, वही प्रारब्ध बन करके भोग बनता है, संस्कार बन करके अगले जन्म की ओर ले जाता है। वे सारे प्रारब्ध जो योग के माध्यम से, मिलन के माध्यम से, घुलन के माध्यम से, विसर्जन के माध्यम से आपने बनाया है, किसी में होकर, किसी के प्रेम में खो करके, किसी के भक्ति में खो करके, कोई अंतर, देर इज नो डिफरेंट बिटवीन योर लव टू द योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एंड देर इज नो डिफरेंट बिटवीन यू टू द लव टू द सब देवी एंड देवता, एक ही चीज है। इसको प्रेम कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं, लेकिन है प्रेम। यह प्रेम शारीरिक शरीर से मिलाने का, वह प्रेम मन के मनोभाव को मिलाने का है। जब दोनों प्रेम, मनुष्य के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति श्रद्धा, मनुष्य के प्रति अपनापन, मनुष्य के प्रति लगाव, यह सब जो है मन की एक ऐसी व्यवस्था है जो भोग की ओर ले जाता है। और देवी देवताओं के प्रति प्रेम, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा, देवी देवताओं के प्रति भक्ति, देवी देवताओं के प्रति समर्पण, मनुष्य के प्रेम में भी समर्पण है और देवी देवताओं के प्रेम में भी समर्पण है। यह शरीर और मन तक रह जाता है, इसका सारा लाभ मन लता है। मन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में, आयाम में आपको अनुभूति देता है आनंद की। कई एक प्रकार के आनंद की अनुभूतियाँ होती हैं, विचारानुगत अनुभूतियाँ हैं, वितर्कानुगत अनुभूतियाँ हैं, अस्मितानुगत अनुभूतियाँ हैं, आनंदानुगत अनुभूतियाँ हैं, चिदमय अनुभूतियाँ हैं, चिदानंदमय अनुभूतियाँ हैं। ये सब कनेक्टेड टू द योर माइंड एंड बॉडी, यह सब आपके मन से और शरीर से जुड़ा हुआ है। या इसकी यात्रा अंतस की ओर नहीं है, अंतस की ओर प्राण है। प्राण एक ऐसा माध्यम है कि आपको ओरिजिन से भी जुड़ा है, आपको विस्तार से भी जुड़ा है। प्राण को अपना बनाने के लिए माध्यम तो आपको प्राणायाम कर लेना ही पड़ेगा। विश्व शांति अभियान का अलख जगाते हुए महायोगी पायलट बाबा जी जैसी अद्भुत शक्ति आपके हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच है। बस जरूरत है तो हमें और आपको उनकी ओर कदम बढ़ाने की। बाबा जी से संपर्क का पता है महायोगी पायलट बाबा आश्रम, A65 पंचवटी अपार्टमेंट, विकासपुरी, न्यू दिल्ली। फोन 011-28-53-4110। महायोगी पायलट बाबा आश्रम, कल्ला गेटिया, नैनीताल, उत्तरांचल। फोन 0594224-4026। और महायोगी पायलट बाबा आश्रम, दक्ष रोड, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तरांचल। फोन 01334245868।